तो दोस्तों आज हम लोग बनाएंगे बीफ मंगोलियन। तो उसके लिए मिसन पुलाव रेडी कर रहे हैं। पहले हम लोग सॉस मिला देंगे, हम लोग थोड़ा से गार्लिक चिल्ली सॉस थोड़ा से स्पाइसी करने के लिए डाल रहे हैं। गार्लिक चिल्ली सॉस आप देख सकते हैं, तो गार्लिक चिल्ली सॉस कोई भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अच्छा टेस्ट वाला जरूर है। और हम लोग वेनीगर, वाइट वेनीगर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि 2 टेबल स्पून हम लोग वाइट वेनीगर इस्तेमाल किए हैं, 1 टेबल स्पून चिल्ली पेस्ट इस्तेमाल किए हैं गार्लिक चिल्ली, और हम लोग 1 टीस्पून चाइनीज़ सॉल्ट इस्तेमाल किए हैं। और ये हमारा मैगी का सोया सॉस है, कोई भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ने सोया सॉस इस्तेमाल किया है इसमें, जो ये हमारे लिए क्या मालूम है, 2 टेबल स्पून सोया सॉस इस्तेमाल किए हैं इसमें। और हम लोग वेस्टर्न सॉस, यानी कि आप भी कोई भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग अभी ये दो ब्रांड है हमारे पास में, तो हम लोग दोनों को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि एक हमारे पास में एक खाली हो रहा है, तो दूसरा अभी दूसरा इसको भी थोड़ा मिलाएंगे। तो इसलिए हम लोग इसमें 2 टेबल स्पून वेस्टर्न सॉस इस्तेमाल किए हैं। ये सारा हमारा मसाला हो गया, तो आप सॉल्ट अपने हिसाब से डालिएगा, यानी कि खाने के टाइम में टेस्ट करिए, क्योंकि हम लोग सॉस में सॉल्ट होता है, तो हम लोग बीफ में भी सॉल्ट मिलाए थे, तो आप कभी बाद में टेस्ट करके सॉल्ट डाल सकते हैं टेस्ट के हिसाब से आपके। तो हमारा ये भी ड्राई चिली हम लोग लिए हैं मंगोलियन के लिए, और क्या स्प्रिंग ऑनियन हम लोग लॉन्ग लॉन्ग कट कर लिए हैं, और गार्लिक चॉप हम लोग लिए हैं, और जिंजर चॉप। तो आप चाहिए तो 1-2 पीस कैप्सिकम रेड येलो काट के 1-2 पीस डाल सकते हैं, लेकिन नहीं डाले तो कोई भी मुश्किल नहीं है, हर डिफरेंट डिफरेंट बनता है। तो हम लोग सिसमी सीड्स रोस्ट करके रख लिए हैं, जो वाइट तिल बोलते हैं, और ब्लैक पेपर, आप क्या मालूम है सॉस में ब्लैक पेपर भी हम लोग डाले हैं, उस घड़ी दिखा नहीं पाए, तो ब्लैक पेपर हम लोग को 1 टीस्पून ब्लैक पेपर डालना है। आप चाहे स्पाइसी करना चाहते हैं ये तो हमारा ज़्यादा भी डाल बीफ सकते आज हम हैं, लोग बनाएंगे तो हम लोग बीफ स्पाइसी नहीं करना है। तो मंगोलियन। बीफ तो हम हम लोग लोग ने आज बीफ को काट दिया लॉन्ग इस स्टिक तरह, टाइप आप का देख नहीं सकते काटे हैं हैं, इस तो हम तरह लोग बीफ को फ्लैट काट टाइप दिया का है, काटे हैं और फिर हम लोग बीफ। इसको फ्राई करने के लिए जा रहे हैं। तो ये देखो ये हमारा बीफ है और हम लोग इसको फ्राई करने के लिए जा रहे हैं। ये मैदा है, ये मैदा है, हीट कम हो जाएगा तो फिर बाद में ये मैदा इसका छूट जाएगा, खाली गोश रह जाएगा। तो इसलिए आपका जब तेल ज़्यादा गर्म है, यानी कि आपका भट्टी यानी कि चूल्हा रेंज जब ज़्यादा बड़ा है, तो फिर आप वो हिसाब से डालिए, नहीं तो नहीं फिर उसको क्या मालूम है एक एक यानी कि थोड़ा थोड़ा करके 15-20 15-20 करके आप डालिए। तो इससे क्या मालूम है आपका बीफ भी अच्छा फ्राई होगा और फिर यानी कि उसका प्रोटीन भी सही रहेगा जो मैदे में। तो आपको जब उधर हम तड़का मारेंगे तो वो भी अच्छे से बनेगा। और इस तरह अभी हम लोग बीफ को देख रहे हैं फ्राई करके, ये अभी हम लोग तेल में डाले हैं, अभी हमारा तेल सही से गर्म नहीं हुआ है, तो ये हमारा तेल अभी अभी हम इसमें डाल रहे हैं बीफ। देख लो इस तरह आप एक एक करके बीफ डालो, और आप चाहे कटिंग आप कोई भी स्टाइल कर सकते हो, लॉन्ग स्टिक कटिंग कर सकते हो, इस तरह भी कटिंग कर सकते हो स्लाइस से, और जैसा आपका मर्जी कटिंग करने का, क्योंकि हम लोग इस तरह कटिंग किए हैं। आप चाहिए तो क्या मालूम है हम लोग इस तरह कटिंग किए हैं, आप चाहिए तो क्या मालूम है स्टिक कटिंग भी कर सकते हो।
ये सही तरीके से है। आप देख सकते हैं कि हम लोग का बीफ इस तरह फ्राई हो रहा है। आप देख सकते हैं हमारा बीफ जो है वो रेडी हो गया है। तो हम लोग इसको इस तरह निकाल ले रहे हैं, तेल निकाल के। आप देख सकते हैं ये बीफ रेडी हो चुका है। तो ये अभी सॉस में जाने के लिए तैयार है। इस तरह हम इसको पूरा यानी कि फ्राई कर देंगे, पूरे फ्राई कर देना हमको। और देख सकते हैं ये हम लोग अच्छे से पूरा लगा रहे हैं। तो ये पूरे के पूरे हम लोग इसमें फ्राई कर देंगे। और देखो इस तरह पूरा बीफ को हमको फ्राई करना है। डालो और इस तरह पूरा हमको फ्राई करना है। ठीक है, आप देख सकते हैं। देख सकते हैं कि हमारा पूरा बीफ फ्राई होकर रेडी हो गया है मंगोलियन का। और ये सारा सामान रेडी है, बस हम लोग इसको अभी कुकिंग करेंगे। तो हम लोग थोड़ा से भूल गया था, तो हमारे पास में ब्राउन शुगर तो नहीं था, हम लोग थोड़ा से इसमें वाइट शुगर ऐड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। और ये हमारा पूरा सॉस वगैरह सब रेडी है। तो ये हमारा बीफ वगैरह सब रेडी है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पर खाना। ये गार्लिक है और ये जिंजर चॉप है और ये ड्राई चिली है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा रेडी हो गया। हम लोग अभी बीफ ऐड करेंगे। ऐड कर दिए बीफ और इसको हम लोग अभी इसमें सॉस डालेंगे। आप चाहिए तो पहले भी बीफ डालने के पहले सॉस डाल सकते हो, उसको पका के बीफ भी डाल सकते हो, या फिर बीफ डालने के बाद में भी सॉस डाल सकते हो। तो दोनों तरीके से आप जिस तरीके से बनाना चाहेंगे उस तरीके से बना सकते हैं। तो हम लोग ने बीफ में सॉस जो मिला के रखा था सॉस वो डाल दिया। डालने के बाद में इसको पूरा अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और स्प्रिंग ऑनियन इसमें ऐड करेंगे। बस ये फाइनल, और कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है। और इस तरह हमारा बीफ मंगोलियन रेडी हो गया।